13 इस लैब सेशन का लास्ट सेशन है, ठीक है, जो कि पॉइंटर्स से रिलेटेड है। सो इस लैब में हम पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड लैब्स के जो भी टास्क हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली पॉइंटर इट्सेल्फ क्या है। पॉइंटर के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि समथिंग दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स समथिंग, ठीक है, कोई चीज़ है जो कि पॉइंट कर रही है, राइट। सो अगर हम यहाँ पर पॉइंटर की डेफिनेशन देखें तो पॉइंटर इज बेसिकली अ वेरिएबल दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। यानी कि लेट सपोज अगर मैं कहती हूँ कि ए इज इक्वल्स टू 5, तो ए की जो वैल्यू है वो 5 है, लेकिन आपको पता है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितना भी आपके आपका डेटा होता है, वो मेमोरी में किसी ना किसी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, किसी ना किसी लोकेशन पे लाए करता है, ठीक है। लोकेशन का मतलब ये है कि कोई ना कोई बेसिकली एड्रेस होगा जहां पर आपका डेटा एग्जिस्ट करेगा। सो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताई, वेरिएबल है, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर है, तो वो वैल्यू वेरिएबल जो वैल्यू कैरी करेगा वो है, लेकिन वो वेरिएबल बेसिकली मेमोरी में जिस लोकेशन पर एग्जिस्ट करेगा, जिस एड्रेस पर एग्जिस्ट करेगा, दैट इज नोन एज पॉइंटर। बिल्कुल जैसे हम किसी भी कोई हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, लेट सपोज अली है, ठीक है, उस हाउस में, उस सोसाइटी में अली नेम के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली हम जो आइडेंटिफाई करेंगे यूनिकली वो उसका एड्रेस होगा। लेट्स सपोज बहुत सारे अली नेम के पर्सन्स वहाँ पे सोसाइटी में रहते हैं, बट हम जिस पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट करना चाह रहे हैं उसके एड्रेस के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, तो हम उसको ज़्यादा क्विकली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे माई वार के नेम से एक वेरिएबल है, उसमें 25 स्टोर करवा दिया, और फू के नाम से एक वेरिएबल है, उसमें एंड माई वार स्टोर करवा दिया। ये जो एंड का यहाँ पर सिंबल है वो इंडिकेट करता है एड्रेस को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फू में माई वार का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। एंड का वेरिएबल हम जहाँ एंड का सिंबल हम जहाँ पर भी यूज करते हैं, विच मीन्स दैट इट इज इंडिकेटिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर एंड के बाद मैंने यहाँ पर जो भी वेरिएबल लिखा है उसका एड्रेस इस फू के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, एंड बार इज इक्वल्स टू माई वार। आप ये देखें कि ये फू में इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो गया और बार में ये वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो गई। माई वार की वैल्यू थी 25, सो बार में स्टोर हो जाएगी 25। सो अब यहाँ पर हम ग्राफिकली इसको देखते हैं, तो ये जो लोकेशन है माई वार के वेरिएबल की, यहाँ पर 25 स्टोर है, और लेट सपोज इससे पहले जो लोकेशन है उसका एड्रेस 1775 है, इस वेरिएबल का एड्रेस 1776 है, नेक्स्ट जो लोकेशन है उसका एड्रेस 1777 है। सो ये जो बेसिकली वेरिएबल है उसकी वैल्यू 25 है और उसमें जो एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है दैट इज 1776। सो अगर मैं पूछूं कि फू की वैल्यू क्या है, सो फू में माई वार का एड्रेस स्टोर है दैट इज 1776, सो यहाँ पर एज इट इज लिखा है, और बार इज इक्वल्स टू माई वार, यानी कि माई वार वेरिएबल की वैल्यू दैट वॉज 25, सो बार के अंदर स्टोर हो जाएगी 25। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मेरे पास एक स्ट्रिंग है फूड के नेम से, और इसमें मैंने जो स्ट्रिंग स्टोर करवाई है दैट इज पिज्जा, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है फूड, तो आपके पास जो वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज पिज्जा, और अगर मैं एंड फूड लिखूँ तो इस फूड के वेरिएबल की जो भी एड्रेस या लोकेशन होगी वो प्रिंट होगी, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें जो इस एग्जाम्पल में मेनली जो चीजें समझने की हैं वो ये है कि वेरिएबल और एंड वेरिएबल, लाइक वेरिएबल का नाम लिखें या आप एंड के बाद वेरिएबल का नाम लिखें, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहां पर ये वैल्यू को प्रिंट करेगा, यहां पे ये वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करेगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपके पास एक वेरिएबल है वार दैट विल कैरी 20, एक इंटीजर, आपके पास एक पॉइंटर है, ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंटर वेरिएबल है। बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल जब भी हमें बनाना होता है तो हम उसके साथ स्टैरिक लिखते हैं, और हमने ये कह दिया कि आई पी इज इक्वल्स टू एंड वार, राइट।
यानी कि ये जो वार है ये वेरिएबल, इसका एड्रेस हमने कहाँ स्टोर करवा दिया है, आईपी में। सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ वार प्रिंट करवाना चाहें तो हमने सिंपल वार लिखना है, एड्रेस स्टोर्ड इन आईपी वेरिएबल, तो वो आईपी होगा खाली सिंपली, क्योंकि बेसिकली ये जो आईपी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है, जो भी एड्रेस स्टोर हो रहा है वो वार का है, सो आईपी में ये स्टोर हो जाएगा। एक्सेस द वैल्यू एट द एड्रेस अवेलेबल इन पॉइंटर। सो यहाँ पर आपके पास जो आईपी की आईपी में बेसिकली एड्रेस स्टोर हो रहा है वार का, और आपने अगर इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है थ्रू पॉइंटर, तो वो आप करेंगे स्टैटिक आईपी के थ्रू, स्टैटिक आईपी का वेरिएबल यूज करेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पर ये भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है वार, तो यहाँ पर भी लेट सपोज यहाँ पर 20 प्रिंट हो रहा है, और मुझे अगेन यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर भी 20 प्रिंट हो रही है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। अच्छा, यहाँ पर सिंपल वार के थ्रू हमने प्रिंट करवाया है, वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करा है, लेकिन यहाँ पे हमने वही 20 वैल्यू हमने पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करवाई है। पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करवाने का मतलब ये है कि पहले हमने उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाया है, और अब यहाँ पर अगर मैं आईपी की बात करूँ तो आईपी का मतलब ये है कि जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर हो रहा है, लेकिन अगर मैं स्टैटिक आईपी की बात करूँ तो स्टैटिक आईपी का मतलब ये है कि जो वैल्यू है यानी कि ये 20, तो वो प्रिंट होगी। सेकेंड एग्जाम्पल एक और है, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू 3 है, बी और एक्स की वैल्यू 5 है, सी आउट करवा दिया मैंने ए को, तो यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने ए के एड्रेस को प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे एंड ए लिख दिया, वैल्यू एट एड्रेस ए, ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस ए। इसी काम को जो मैंने यहाँ पर करवाया था यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वैल्यू एट एड्रेस ए, यानी जहाँ पर ए का एड्रेस है वहाँ पे ए के एड्रेस पे जो भी वैल्यू है, सो ए का एड्रेस हमें कैसे निकालना है, एंड ए से। अगर हम यहाँ पे सिंपल एंड ए लिख दें और इसको प्रिंट करवाएं, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए का एड्रेस प्रिंट होगा इस तरह से, बट आई वॉन्ट के इस एड्रेस पे जो वैल्यू है तो उसके लिए हमें ये पॉइंटर डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, तो बेसिकली इस एड्रेस पे पॉइंटर के थ्रू जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से हमने वैल्यू ऑफ बी प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमें स्टैटिक बी प्रिंट करवा लिखना पड़ेगा, और अगर आपने एड्रेस प्रिंट करवाना है तो एड्रेस के लिए एंड बी, सिमिलरली जैसे ए के लिए हमने किया इसी तरीके से दूसरे वेरिएबल के लिए भी हमने वही यूज़ किया। सिमिलरली थर्ड वेरिएबल के लिए भी यही है। सो अब आपने एक्सरसाइज जो परफॉर्म करनी है उसमें यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम दैट विल आस्क द यूजर टू एंटर इंटीजर्स एज इनपुट टू स्टोर इन द वेरिएबल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। आपने जैसे मैंने यहाँ पर जो यूजर्स से नहीं लिया है, मैंने हार्ड कोड कर दिया है, वैल्यू स्टोर करवा दी है वेरिएबल में, आपने करना है आपने यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, ए एंड बी। देयर आर ऑल्सो टू इंटीजर्स पॉइंटर्स पी टी आर ए एंड पी टी आर बी। सो अब आपने यहाँ पे दो पॉइंटर्स लेने हैं, इंटीजर टाइप के इंटीजर पी टी आर ए, इंटीजर पी टी आर बी, लेकिन उन दोनों के साथ आपने स्टैरिक लगाना है, विच इंडिकेट्स दैट दीज टू आर पॉइंटर्स, पॉइंटर वेरिएबल्स, जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद अब आपने असाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी टू पी टी आर ए एंड पी टी आर बी रिस्पेक्टिवली। सो अब आपने काम ये करना है कि अगर मैं लेट सपोज ए को प्रिंट करवाऊं तो मेरे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी, और बी को प्रिंट करवाऊं तो सिंपल वैल्यू आ जाएगी, बट हमने ये काम पी टी आर ए और पी टी आर बी के थ्रू करवाना है, जिस तरह से यहां पर मैंने किया है कि लेट सपोज यहां पे अगर मैंने स्टेरिक आईपी लिखा है तो मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो रही है 20, लेकिन यहाँ पे जब मैंने सिंपल वार लिखा था तो भी मेरे पास 20 वैल्यू। सो आपने ये वाला टास्क इस वाली एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करना है। सेकेंड वाली जो एग्जाम्पल है, टेक इनपुट इन वेरिएबल एंड डिस्प्ले सेम वैल्यू बाय पॉइंटर, ठीक है, आपने यूजर से एक इनपुट लेना है और उस इनपुट वो इनपुट जो आप लेंगे वो एज एन इंटेजर लेंगे, ठीक है, और इसको आपने पॉइंटर के थ्रू सिंपल डिस्प्ले करवा देना है, एक ही नंबर इंटेजर लेना है, राइट। इसकी भी एग्जाम्पल मैंने ऊपर यहां पर करवा दी है, यहां पर सिंपल, ठीक है, ये तो मैंने स्ट्रिंग्स के थ्रू करवाई है, आप इसी वाली एग्जाम्पल को इंटेजर के थ्रू भी कर सकते हैं। सो दीज आर द टू टास्क दैट यू हैव टू परफॉर्म व्हाइल यूजिंग पॉइंटर।
सो ये आपकी लैब्स का लास्ट सेशन था, दैट वाज लैब सेशन 13, पॉइंटर्स।